नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर श्रावस्ती से है, जहां कुछ ही दिन अब दिवाली को लेकर के बचे हैं, जिसके बाद दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसके चलते बाजारों में दीपावली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बाजारों में विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए लोग मिट्टी के दिए बना रहे हैं और लोग उसकी खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं। धार्मिक आधार के मुताबिक दीपावली का त्यौहार भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास काटकर वापस आने पर पहली बार अयोध्या में दीपावली का कार्यक्रम किया गया था। इसके बाद इस पर्व को सभी देशवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसमें शाम होते ही घर में माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दीप प्रज्वलित कर घर के हर कोने में दीप को लगाया जाता है, जिससे पूरा घर जगमग हो जाता है। उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल के जिले गोंडा में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत मंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत देवीपाटन मंडल के सभी जिलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़े छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें श्रावस्ती के दो छात्रों ने मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में देवीपाटन मंडल के शास्त्रीय कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्रा साध्वी पांडे और अजित शुक्ला ने वादन कला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में उपस्थित गणमान्य जनों ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर पुरस्कृत किया। खबर एटा से है, जहां नो एंट्री में ट्रक लाना चालक को भारी पड़ गया। बता दें कि इस दौरान ट्रैफिक सिपाही और ट्रक ड्राइवर की जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ट्रैफिक सिपाही के लाठीचार्ज करने से ट्रक ड्राइवर नाराज हो गया, जिससे दोनों में जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला कोतवाली नगर के पास हाथी गेट चौराहे का बताया जा रहा है। नो एंट्री में ट्रक लाना ड्राइवर को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस और ड्राइवर की जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। खबर बाराबंकी से है, जहां वीआईपी और प्रेस पास लगी हुई गाड़ियों के जबरन नो एंट्री की रोक और आम जनमानस लोगों से अभद्रता के बाद अब देवा मेला को अगर पंचरबाज पुलिस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बाराबंकी पुलिस पर आरोप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले वीआईपी प्रेस पास समेत गाड़ियों की नो एंट्री पर बैन लगी और अब पुलिस मेला में रोड किनारे खड़े वाहनों की गाड़ियां पंचर करके एक नया कानून ला रही है। देवा मेला में चिन्हट नहर रोड के किनारे खड़ी गाड़ियों को पुलिस पंचर कर रही है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। कार पार्किंग के चक्कर में है, खड़ी करने के लिए क्या मतलब पुलिस वाले ने बताया कि वहाँ खड़ी करो, वहाँ से वहाँ खड़ी करो, चलते वहाँ जब खड़ी किया अब कार पंचर रहेगा। लखनऊ से हाँ, यहाँ पे देखने आए थे, तो उसके बाद हम लोग आने के बाद हम लोग ने पार्किंग ढूंढी, पार्किंग नहीं मिली, तो यहाँ पे शासन प्रशासन की काफी गाड़ियाँ जो कि रोड पे खड़ी हुई हैं और चौड़ी चौड़ी गाड़ियाँ खाली, बड़े बड़े डीसीएम खड़े हुए हैं वहाँ पे। जो भी लोग अपनी गाड़ी अगर पार्क कर रहे हैं जहाँ पे पार्किंग की जगह है अवेलेबल है, उसके बाद भी वहाँ पे पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, जाने के बाद उसके टायर पंचर कर रहे हैं, उसमें टायर में हवा निकल दे रहे हैं, कीला मारे दे रहे हैं। अगली खबर रामपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिष्ठानों पर जाकर खाद्य सामग्री के नमूने लिए गए, साथ ही मिष्ठानों के ठिकानों पर छापे मारकर कार्रवाई की गई है। दरअसल योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर कहा है कि मिलावट खोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए, जिसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा मिष्ठान के ठिकानों पर छापे मारकर कई दिनों का खोआ बरामद कर सड़क किनारे फेंका गया। निरीक्षक ने बताया है कि ऐसी कई मिठाइयां के सैंपल लिए गए हैं जिनमें मिलावट थी, उसी मिठाई को नष्ट कर सड़क किनारे फेंका गया है, जिससे जनता में प्रदेश सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। ये हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ से दीपावली पर्व के दृष्टिगत आदेश अभियान चलाने का आया और जिलाधिकारी महोदय के आदेश से नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश में ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें तमाम खाद्य पदार्थों के नमूने भरे जा रहे हैं, जिससे आने वाले पर्व पे आम जनमानस को शुद्ध खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध हों।
खबर संभल से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बैंक फील्ड ऑफिसर का शव बरामद हुआ है। वहीं शव मिलने की सूचना से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खास बात यह है कि मृतक बैंक ऑफिसर अगले महीने 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। ये मूल रूप से इटावा जिले के रहने वाले थे। खबर रुड़की से है, जहां दीपावली को लेकर के 3 साल बाद अब बाजारों में रौनक नजर आने लगी है। वहीं भगवानपुर बाजार में व्यापारियों में इस बार खुशी देखने को मिल रही है। दरअसल 2019 के बाद इस वर्ष दीपावली को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 2020 और 2021 में लॉकडाउन के चलते दीपावली फीकी रही थी, लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, जिसकी वजह से दीपावली का त्यौहार धूमधाम से नहीं मन पाया था। लेकिन इस वर्ष दीपावली को लेकर के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। व्यापारियों ने लोगों से अपील की है कि पटाखों को खुली जगह में जलाएं और ध्यान रखें कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। दीपावली पर बाजारों में रौनक देखने को मिली है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रुड़की से ये खबर है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं दीपावली पर्व पर, बाजारों में रौनक। दीपावली की रौनक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 साल से कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी। लोग डर रहे थे, एक डर का भय था बना हुआ। लेकिन अब क्या जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हुए और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है, और बाजार में रौनक भी है। और हम सभी से चाहते हैं कि अपने मतलब जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान हैं सबका उपयोग करें, और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सावधानी पूर्वक पटाखों का इस्तेमाल करें, और छोटे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फुलझड़ियों का इस्तेमाल कराएं, और अपना बचाव रखें, और बाहर मतलब कहीं पार्किंग वगैरह में जहाँ खुली जगह हो वहाँ पटाखा यूज करें, घर में कम से कम। अगली खबर थराली से है, जहां कल देर रात करीब 1 बजे पैनगढ़ गांव के ऊपर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण 2 घर जमींदोज हो गए, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है और पूरी घटना की जांच कर रही है। भूस्खलन होने से 4 लोगों की मौत हो गई है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। क्षेत्र में इस घटना से शोक की लहर। घटी है मौके पर SDRF, NDRF और हमारी रेवेन्यू की टीम पहुंच गई थी, तो रेस्क्यू का काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन 4 लोग उसमें अपनी जान गंवा बैठे, एक अभी हायर सेंटर पर रेफर्ड है। अभी मैं भी यहाँ पे मौके पे ही हूँ, और जो मानकानुसार जो भी हमारे जो प्रावधान है उसके तहत तो इनको त्वरित राहत हमारे द्वारा दी जाएगी। बाकी जो सरकार की विभिन्न योजनाएं जो है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि उसमें भी जो लाभार्थी है इनको मैं कोशिश करूँगा कि विभिन्न योजनाओं से भी इनको बेनिफिट दिया जा सके। 46 परिवार यहाँ पे हैं और डर के साए में आप लोग जी रहे हैं, क्योंकि कल रात की जो घटना हुई है उससे सब लोग डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। इनको शिफ्ट करने की क्या जी जी इसके लिए एक हमने लैंड जो है भी हमारी सेलेक्टेड है, एक पूर्व में भी हमने एक लैंड सेलेक्ट करी थी, लेकिन वो भूगर्भीय सर्वेक्षण में वो सही नहीं पाई गई थी, तो एक नई लैंड अभी हमारी सेलेक्टेड है, उसका भूगर्भीय सर्वेक्षण अभी बहुत जल्दी हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। क्या वो विस्थापन की प्रक्रिया से पहले इन ग्रामीणों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके से रात की घटना हुई है वो तो आपदा के जो भी मानक अनुसार होंगे उसके तहत कार्रवाई करी जाएगी। संभल जिले में धनतेरस और दीपोत्सव को लेकर के बाजार में दुकानें सजने लगी हैं। दुकानदार उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। वहीं धनतेरस को लेकर के दुकानदार नए नए आइटम मंगवाकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। सराफा बाजार में इस समय चांदी के लड्डू गोपाल के साथ कलश नुमा सिक्के के साथ बहुत सारी मूर्तियां भी बिक रही हैं, तो वहीं चांदी की हनुमान चालीसा इस बार आकर्षक का केंद्र बनी है, जो इस बार धनतेरस पर धन की वर्षा करने को तैयार है। दीपावली के लिहाज से कई सारे आइटम हम लोगों ने मंगाए हैं, चांदी के बर्तन हैं, गिलास हैं, मूर्तियां हैं लक्ष्मी गणेश जी की, लोटा भी है, और हमारे पास हनुमान चालीसा है चांदी पर। ये सारे आइटम, चांदी के सिक्के भी बहुत बहुत नए तरीके के, नए डिजाइन के कलश के रूप में चांदी के सिक्के भी हम लोगों ने मंगाए हैं।
खबर चमोली से है, जहां दीपावली के पर्व पर चमोली जिले की अलग अलग बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जहां बाजार सजे हुए हैं तो वहीं अलग अलग तरह के मंचन भी देखने को मिल रहे हैं। गोपेश्वर मुख्यालय की बात की जाए तो दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो पुलिस जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चला रही है। बद्रीनाथ धाम में भी दीपावली की धूमधाम देखने को मिल रही है। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम में भी दीपावली का रौनक देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी काफी रौनक है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और चमोली जिले में बाजार कर रहे हैं दीपावली को लेकर के। दीपावली पर्व को लेकर के बाजारों में रौनक है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और फूलों से मंदिर को सजाया गया है। बद्रीनाथ धाम में दीपावली की धूम दिख रही है। मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। लोग यहां आ रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।